BMW Z4, तो ये भाई बहुत ऑसम प्राइस भी कंफर्म कर देता हूं कि इसकी नंबर प्लेट का प्राइस कितना था। भाई साफ गाड़ी गली में ही फंस गई भाई बिल्कुल। तो भाई की ओवरऑल बाइक काफी अच्छी है, AR का शॉर्ट कैन एग्जॉस्ट डला हुआ है और निंजा 300 है। तो बस ये बाइक की नंबर प्लेट आ गई है, चलते हैं। तो गाइस यार अभी ना पेट्रोल पहले भरवा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो पेट्रोल भरवाना भी जरूरी था। क्या बोला? हाँ 100 का था, 100 का तो कर दो भाई। तो भाई ने यार अभी 90 का कर दिया था पेट्रोल, चलो कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, लग जाता है यार कई बार भुलेखा इस तरह से। फिलहाल फ्यूल अप हो गया है, अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। तो अभी ना फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, मैं बताता हूँ कि मैं इतना जल्दबाजी में क्यों अभी, क्योंकि आपको पता ही है जैसा कि अभी मेरी बाइक के अंदर ना इस टाइम नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है, तो इस टाइम अभी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई ना मेरी बाइक के अंदर। तो ये देखो भाई एक निंजा योशिमुरा के साथ वो एंड है यार। तो फिलहाल देखो अभी उसको किया है कैचअप, तो भाई क्या लग रहा है पहली बात तो। तो भाई की ओवरऑल बाइक काफी अच्छी है, AR का शॉर्ट कैन एग्जॉस्ट डला हुआ है और निंजा 300 है। नहीं दरअसल वैसे आवाज तो मैं बताता हूँ कि दरअसल मेरी बाइक की आ चुकी है नंबर प्लेट, तो नंबर प्लेट आ गई है, उसी को लगवाने जाना है। एजेंसी वालों का कॉल आया तो उन्होंने बोला कि 6 बजे तक एजेंसी ओपन है, आप जब मर्जी आ जाओ। और 5:30 अभी हो चुके हैं और सिर्फ आधा घंटा अपने पास, और एजेंसी मेरे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मैं बताता हूँ कैसे, एजेंसी ऐसे मेरे घर से नॉर्मली होगी 7 से 8 किलोमीटर, बट मुझे टोटली 10 से 12 किलोमीटर होके जाना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि जो एजेंसी है वो है पूरी हमारे घर से नकोदर चौक, और मैं आया हुआ दूसरी साइड से बिकॉज ऑफ थिंग, क्योंकि जो नॉर्मली जलंधर से पीपल्स है ना, उनको देखो सबको ऑलरेडी पता होगा कि इस टाइम पे नकोदर चौक के पास जो रविदास चौक पे रविदास जी का जो मेला लगता है वो लगा हुआ है। तो इसका क्या भी रविदास चौक को बिल्कुल ही बंद कर रखा है, तो रविदास चौक को बंद कर रखा है, जिसके करके कि अगर मैं वहां से जाता तो हार्डली था कि मुझे नियर अबाउट 1 घंटे का टाइम चाहिए था, बट उसी को मैं 1 घंटा जो कि मैं चाहता हूँ ना आधे घंटे के अंदर पहुंच के आज बाइक की नंबर पे लगवा लूँ। तो उसका मेरे पास आज बेस्ट वे यही था कि मैं 2-3 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करके दूसरी साइड से चला जाऊँ और मैं यहाँ से जल्दी पहुंच जाऊंगा, और ये रोड होता भी काफी क्लियर है। तो बस फिर इसी को देखते हुए चलते हैं। मुझे बाइक के प्रेशर का भी थोड़ा लग रहा है, देखो मैंने फ्यूल अप अभी करवाया, बट मुझे ना बाइक के प्रेशर का अभी भी थोड़ा शक है, टायर प्रेशर का कि ठीक नहीं है वो। तो कोई बात नहीं, बाइक का टायर प्रेशर ठीक नहीं है, बट अभी बाइक ठीक चल रही है, मैं इतना नहीं कह रहा हूँ, जस्ट सिर्फ तो बात ये है कि मुझे जल्दी से जल्दी बस एजेंसी पहुंचना है, ताकि मैं बाइक की नंबर प्लेट को आज किसी भी तरीके से लगा सकूं, क्योंकि परसों को बसंत पंचमी और कल मैंने कॉलेज भी जाना है। तो मैं आज भी मैं कॉलेज गया था, मैं अभी कॉलेज से आया हूँ, और परसों बसंत पंचमी है, तो इसलिए अब परसों का देखो, परसों तो यहाँ तक एजेंसी खुली भी होगी तब भी नहीं जाऊंगा, कि भाई बसंत पंचमी है भाई, पतंग उड़ाना है हमने। तो बस फिर और कल का टाइम है, और कल को भी शायद मैं पतंग अगर लेने कहीं चला गया, अगर पतंग तो पतंग लेते मुझे काफी टाइम लग जाएगा। और आज मैं अकेला जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ थिंग, क्योंकि आयुष ने जाना था पतंग लेने आज, और मैं शायद कल जाऊंगा, या आयुष ले आएगा तो उसी में मेरा भी सर जाएगा। तो आयुष लाएगा तो मेरा भी उसी में काम चल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर भी ट्रैफिक, तो भाई एक इंडियन रोड पे तो भाई ये चीज आपको देखने को ना मिले, क्या बात है भाई। मैं बीमर की नहीं बात कर रहा, मैं दरअसल वो जो शो चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। बीमर तो ठीक है यार, बीमर और मर्सिडीज ना इस टाइम जलंधर में बहुत हो गई है, मतलब नॉर्मल हो गया बिल्कुल अब तो। भाई तो अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं बहुत टाइम बाद, BMW Z4, तो ये भाई बहुत ऑसम गाड़ी है। ये भी एक टाइम पे ना मेरी ड्रीम कार हुआ करती थी, बट अब तो मेरी ड्रीम कार और चेंज हो गई है।
तो बस इस टाइम तो फिलहाल देखो अभी मेरे माइंड में भी पूरा पूरा भी यही चल रहा है कि बस मैं जल्दी से जल्दी ना बस एजेंसी पहुंच जाऊं किसी तरीके से भी, क्योंकि अगर मैं एक मिनट भी लेट हो गया ना तो भाई एजेंसी वालों ने मुझे मना कर देना है कि भाई नहीं लग सकती आज नंबर प्लेट, और मैं वही चीज़ मैं चाहता नहीं हूँ। यार मुझे टाइम देखना है, फोन इस टाइम मेरा अभी एक फोन अभी हेलमेट में है, दूसरा फोन इस टाइम बैग के अंदर है, तो भी इस टाइम देखो मैं बिल्कुल भी टाइम तो देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर टाइम देखने रुकूंगा तो वो मेरा और टाइम बर्बाद जाने वाला है। और बाइक के अंदर भी टाइम मेरा शो करता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, बट मैं उसको नहीं देख सकता क्योंकि मैंने आज तक अभी टाइम सेट ही नहीं किया अपनी बाइक पे, वो जब से है वो टाइम सबसे खराब चल रहा है इसके ऊपर मीटर के ऊपर, जब से बाइक ली है ना तब से मतलब टाइम खराब चल रहा है भाई, मेरा नहीं टाइम खराब चल रहा है, दरअसल बाइक के ऊपर जो मीटर पे जो टाइम शो करता है ना वो खराब चल रहा है, उसको भी सेट करना है। और फिलहाल मेरा टाइम तो बहुत अच्छा चल रहा है यार इस टाइम, मतलब भगवान जी की पूरी कृपा है इस टाइम मेरे ऊपर, तो सब कुछ अभी मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, और बस इसी तरह से भगवान जी मुझ पर कृपा करे रखना, बाबा जी मेहर बनाए रखना, क्योंकि ना मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ ना कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ऐसा देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास नहीं है अभी, ठीक है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी लोगों को लेने के लिए ना, मतलब लोगों का भी सपना है वो चीज़ लेना, ठीक है, बट वो आज भी मेरे पास है। सपोज़ ये R15 और ये हेलमेट पर लगा GoPro, भाई बहुत सारे लोगों का आज ये भी लेना ड्रीम है, और लोग इतना है ना कि मतलब लोग अभी इसको भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बट ठीक है, मच बेटर बेस्ट है, भगवान जी की इतनी कृपा है मुझ पर कि जो ये मुझे मिला इतना, और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। और यहाँ पर अभी रेड सिग्नल हो गया है तो यहाँ पर तो देखो रुकना पड़ेगा ही, इसके अंदर मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करता कभी भी, तो चलो कोई बात नहीं, इतना रेड सिग्नल देखो चलता है, एक दो मिनट का डिले अच्छा होता है, हो सकता है कि भगवान जी ने किसी कारण से किया हो, चलो बट कोई नहीं, ठीक है अगर एक अच्छा डिले है तो। और ये दो मिनट से देखो बिल्कुल ही दो मिनट से भी कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, मैं अगर सही था मैं पहले भी निकला था, मैं 5:30 के निकला था, तो 5:30 बजे निकला था, तो मुझे लगता नहीं कि इतना टाइम हुआ होगा, अभी मेरे को हार्डली 5-7 मिनट हुए होंगे घर से निकले को, तो बट ठीक है कोई बात नहीं चलते हैं। बस अब ये वाली टर्न है, इसके बाद फिर से शायद हमारी टर्न ही होने वाली है, या ऐसा ही बताओ ना, आज मैंने पता क्या सोचा था व्लॉग स्टार्ट करते टाइम, आज मैंने व्लॉग में स्टार्ट करते टाइम ये सोचा था कि आज आपको किसी नए रूट से लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये BMC चौक वाला जो रूट है ना यहाँ से मैं हर बार आपको यहीं से लेकर जाता हूँ, बट आज वो रविदास चौक वाले साइड देखो रश था, मैंने जैसा आपको बताया मतलब पूरा चौक बंद था, तो वहां से तो वैसे भी नहीं जा सके हम सब, तो इसलिए आज मुझे इसी रूट से आना पड़ा। कोई बात नहीं, यहाँ से पहले ना सबसे पहले भी चलते हैं बाइक के पहले नंबर प्लेट लगवा देते हैं, और नंबर प्लेट लगने के बाद भाई फिर हम फ्री है, फिर मैं आपको कुछ अच्छा सा व्लॉग में आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखाऊंगा। यहाँ से देखो यहाँ से मुझे यहाँ से जाके ना आगे से लेफ्ट होना है, आगे से लेफ्ट होने के बाद देन मैं वहां से सीधा निकल जाऊंगा स्काईलार्क होटल, देन स्काईलार्क होटल से मैं सीधा गलियों के बीच में से निकल जाऊंगा ना। यहाँ पे देख सकते हो आप CCTV कैमराज लग गए हैं, चलान वाले इंस्टॉल तो हो गए हैं बट अभी मेरे ख्याल स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो गाइस भाई अगर रस्ते में सही तो अगर कोई सी भी एक छोटी सी भी अगर आवाज आती है ना भाई मुझे बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या बाइक में तो नहीं शायद से कोई प्रॉब्लम हो गई या समथिंग एल्स, बट कोई बात नहीं चलो चलते हैं फिलहाल अभी, और यहाँ से लेते हैं राइट लेफ्ट को टर्न। ये भाई कुत्ता पता नहीं कहाँ से आ गया अभी। अच्छा तो मैं ना आपको बता रहा था कि अभी तक देखो मेरी बाइक के अंदर ना कोई नंबर प्लेट नहीं थी, तो भाई मुझे कोई इशू ही नहीं था, मैं कहीं भी चौक से ना रेड लाइट पे भी निकाल देता था, मैं हार्डली मैं वैसे नहीं जल्दी निकालता था बट मैंने बहुत जगह से निकाली, मैं आपको सही वाली बात बताऊंगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने बहुत जगह से निकाली है, जब मैं व्लॉग नहीं कर रहा होता ना मैं तब भी निकाल देता होता हूँ पता है, बट मैंने एक दो बारी ना अपने व्लॉग्स में भी निकाली थी अपनी KTM RC, पर चलो तब तो कैमराज नहीं लगे थे, और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि अभी जब मैंने ये वाली बाइक ली थी ना तब कैमराज लग तो गए थे, मुझे नहीं पता चल रहे हैं कि नहीं, बट मैंने उस टाइम ना कैमरा बहुत निकाली क्योंकि मेरी बाइक में नंबर प्लेट लगी नहीं हुई थी, तो मुझे ऐसा चलान का ऐसा कोई डर तो था नहीं कि हाँ भाई चलान हो जाएगा कुछ है, बट चलो कोई नहीं। और मैं अगर घूम कर जाता ना अगर मैं कहीं आगे से तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए गलियों में से मैं जा रहा हूँ जल्दी से। भाई साहब गाड़ी गली में ही फंस गई भाई बिल्कुल के। बस भैया अभी देखो अभी ना कम से कम 15-20 मिनट अभी पड़े ही हुए हैं एजेंसी बंद होने के लिए, तो बस
एजेंसी बंद होने के लिए ना अभी 15-20 मिनट पड़े, तो कोई बात नहीं, चलते हैं अभी आराम से और चलते हैं बस पहुंचने वाले हार्डली यार यहाँ से ना हार्डली 2 मिनट का रास्ता होगा बस बाइक से अगर मैं गया तो, वो भी अगर मैं बिल्कुल स्लो आराम से जाऊँगा ना तब, अदरवाइज मेरे को लगता ही नहीं कि यहाँ से एजेंसी है कुछ। बस फाइनली वी आर एट यामाहा, यानी शायद गुप्ता मोटर्स है, मुझे नहीं पता सही से यामाहा का जो यहाँ का इस टाइम अभी जो एजेंसी है। भाई मुझे जल्दी जाने दो, मुझे जल्दी है थोड़ी सी। तो फाइनली वी आर एट यामाहा, तो फाइनली हम टाइम पे देखो पहुंच तो गया हूं मैं बिल्कुल टाइम पर, तो फाइनली पहुंच गया अभी यामाहा, तो पता कर लेता हूं अभी। सर बाइक दी नंबर प्लेट सीगी मेरी, बाइक दी नंबर प्लेट सीगी यामाहा वर्जन 3 अप्लाई करके गया से ले हफ्ता होया है और कॉल आया सीगा अंदर। ओके ओके ठीक है सर, तो अभी उनसे पूछा तो वो कहते कि आप ना बाइक यहीं रहने दो, शोरूम से पहले आप लेकर आओ नंबर प्लेट। तो ठीक है चलते हैं पहले शोरूम से नंबर प्लेट लेते हैं। तो फाइनली गाइस आपको बताता हूँ, तो एक चीज दिखाता हूँ दिस, तो ये रही अपनी बाइक की नंबर प्लेट, तो बस ये बाइक की नंबर प्लेट आ गई है, चलते हैं फिलहाल अभी शोरूम करवाते हैं जल्दी से इसको इंस्टॉल, और बस उनको हार्डली 2 मिनट लगेंगे इंस्टॉल करने के लिए और इंस्टॉल करवाते हैं उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो पहले इंस्टॉल करवाते हैं, तो अभी उनसे पूछा तो वो कहते कि आपने मतलब बाइक का नंबर लिया, तो बस इसी नंबर पर चलते हैं बिकॉज जो ना उनका नंबर प्लेट ऐसे खोल नहीं दिया ऑलरेडी लग गई इतनी बात अलग थी। फ्रेम सब में नॉर्मली लगा दूँगा बस ऐसे ही, ज़्यादा कुछ नहीं किया बस ऐसे नॉर्मल। तो वो भी ये पूछते कि जो इसके साइड में फ्रेम्स लगे होते हैं ना जो नंबर प्लेट पे होटल लगाना है, तो मुझे वो नहीं लगाना यार, वो ना बिल्कुल इतना अच्छा नहीं लगता, तो मुझे ऐसे सिंपल से अच्छा लगा। और बाइक अभी ना इस टाइम गंदी बहुत ज़्यादा हो गई है, ये उसकी मिट्टी वगैरह, तो वो भी मेरे को काफ़ी वॉश भी करवानी है, बट वॉश तो मैं घर पर नहीं करूँगा। और मैं आपको क्या पता करता था, जो जिंगला था ना यहाँ पर, देखो इसके नीचे ना इसका स्क्रैच पड़ रहा था, जब कोई झटका आता था ना तो ये इसके ऊपर ऐसे टैप करता था, इसी तरीके ये रात के ऊपर हो गया, तो मैंने ये रात के ऊपर कर दिया कि रात के ऊपर करता, अगर रात के ऊपर बहने देता फिर मेरी पूरी बची, अगर मैं चाहूँगी मैं उसको निकाल दूंगा तो फिर मेरी बिल्कुल क्लीन चिट रहेगी। तो बस पहले मेरा इंस्टॉल नंबर प्लेट तो करवाते हैं। वाला बिना ये देखो नंबर प्लेट निकल गई अपनी पुरानी वाली, तो साइज के लिए ना देखो ये पुरानी वाली नंबर प्लेट के ऊपर रख के ना उसको फिर ड्रिल कर रहे हैं, क्योंकि ये सब इसका ना साइज का कोई भी मैटर तो रहेगा नहीं। ड्रिलिंग कंप्लीट, अब बस इसमें इंस्टॉल करना रह गया, तो ये रही फ्रंट की नंबर प्लेट और ये रही रियर वाली। तो भाई अगर आयुष अगर ये ब्लॉग देख रहा है ना, तो आयुष भाई तूने ये वाला स्टिकर उतार के ना भाई गलती बहुत बड़ी करी थी। तो गाइस यार अभी ना मैं शोरूम में था, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी एक ना यहाँ पर एमटी खड़ी है, तो मैं बताता हूँ आपको एमटी की ना मुझे क्या बात अच्छी नहीं लगती, एक एमटी की ये चीज भाई मुझे समझ लगती है ये दी किस काम के लिए कंपनी है, और भाई ये चीज मुझे इतनी गंदी लगती है ना, मैंने बहुत सारी रील्स में भी देखा है ऐसे भी देखा, तो मुझे ये कुछ लगा नहीं, मेरे ख्याल से अगर इसको खाली रखते ना अगर ये वाला एरिया तो वो कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती। बट चलो कोई नहीं, अपनी अपनी चॉइस होती है हर किसी की, तो अपनी अपनी पसंद है, हमारी पसंद ये थी तो हमने इसको परचेज किया।
अरविंद कोई गल नहीं फट हाँ पीछे रहा अच्छा पीछे हाँ जी कोई नहीं फट दो देखो अभी ना फिलहाल बाइक में ये लग रही थी तो इसके लिए एक पर्सन को पीछे पकड़ने के लिए चाहिए किधर चुंडी ना पड़ जाए बस ना ना बस उंगल लगा कर अच्छा अच्छा कोई नहीं कोई नहीं हाँ जी हाँ जी वो तो ठीक है एक मिनट इदा ठीक है ठीक है फ्रंट वाली अपनी नंबर प्लेट लग गई और अब बारी है रियर वाले की तो ठीक है तो फाइनली अभी ये पीछे वाली नंबर प्लेट लगा रहे होंगे और अपनी आगे वाली लग गई है तो बस ठीक है बाइक की अब कुछ लुक ऐसी आ रही है तो अच्छी आ रही है यार लुक ठीक है तो ये अपनी पुरानी वाली नंबर प्लेट जो कोई गाँव तो ये पुरानी वाली नंबर प्लेट रेस कर लेते बाइक में और पीछे लगी नंबर प्लेट अभी इस टाइम पे तो ये भी डन है पूरा तो बस अब फिलहाल बाइक का हर एक काम डन हो गया है बस तो चलो ठीक है तो बस अब निकलते हैं अब यहाँ से बाइक के अंदर नंबर प्लेट लग गई अब राइड मारते हुए घर जाएंगे तो फाइनली गाइस बाइक की ना अभी इस टाइम देखो नंबर प्लेट लग गई है मैं आपको अभी एक ना लुक दिखा देता हूँ अच्छा बाइक की अभी एक जगह पर रुक कर तो मैं रुक जाओ अभी आपको दिखा देता हूँ मैं तो अभी देखो फिलहाल अभी ना पहले बाइक की एक बार लुक देख लो नंबर प्लेट ये लगने के बाद ये आ रही है लुक और एजेंसी से अभी निकला ही हूँ फिलहाल बाहर निकल के पहले आपको ये दिखा रहा हूँ तो ये देख सकते हो बाइक की आ रही है इस टाइम पे ये कुछ लुक आ रही है नंबर प्लेट लग चुकी है जो नंबर हमें मिला ठीक है हम इस नंबर में खुश हैं हमें कुछ ज़रूरी VIP नंबर नहीं चाहिए और बस फिर अब फिलहाल चलते हैं घर के लिए तो बस ठीक है अब फिलहाल चलता है घर और अभी अभी ना मुझे फ्रेंड का कॉल आया था तो फ्रेंड ने दरअसल घर आना था बट अभी के लिए ना मैं खुद बाहर हूँ तो चलो कोई नहीं चलते हैं और इधर साइड से देखो अभी इस साइड ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो इस साइड से जाने का कोई फ़ायदा नहीं तो हम जहाँ से आए थे हम ठीक हम ज्योति चौक वाली साइड से चलते हैं तो फाइनली बाइक की हमारे नंबर प्लेट लग चुकी है जो कि एक हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या थी नहीं तो इसके करके हमारा बहुत ही तगड़े वाला चलान भी कट सकता था बाइक की नंबर प्लेट लग चुकी है बाइक की इंश्योरेंस वगैरह सब वैलिड है RC हमारे पास है हर एक चीज़ है तो बस फिलहाल आज का जो मेन काम था ना हमारा वो हो गया तो भाई हमें अंदर से क्या ही खुशी आ रही है और मैं ना आपको अच्छा भी एक बात बताता हूँ मैंने आपसे एक चीज़ डिस्कस करनी थी कि दरअसल आपको जैसे पता है ना कि मेरे पास पहले KTM RC 200 था तो तब मैंने ये वाला अपना हेलमेट था जो कि ये है अभी देख सकते हो आप तो मैंने ये वाला हेलमेट उस टाइम परचेज किया था ठीक है तो ये ब्लैक वाइट और मतलब ऑरेंज में कॉम्बिनेशन में था ठीक है तो अब मैंने बाइक कर ली चेंज तो अब मैं सोच रहा हूँ देखो मेरे पास ना इस टाइम थोड़ा सा भी बजट इंक्रीज हुआ मतलब तुम्हारे भाई ने कुछ पैसे जोड़े तो पैसे जोड़ने के बाद ना मेरे पास कुछ थोड़ा सा ऐसा अमाउंट इकट्ठा हुआ कि जिससे मैं बाइक के लिए कुछ लेना चाहता हूँ मतलब बाइक के लिए मैंने वो अमाउंट इकट्ठा किया कि चलो बाइक के लिए कुछ खरीदा जाए तो मेरे पास इस टाइम पे मेरे पास दो ऑप्शंस है या तो एक बाइक में फुल सिस्टम एग्जॉस्ट ठीक है एक्रा पोविका विद DB किलर जो होता है और मैं सेकेंड सोच रहा हूँ बाइक के लिए एक न्यू हेलमेट परचेज करने के लिए जो कि ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन होगा तो मैं आपको ना बाइक के वो हेलमेट का मॉडल नेम बता रहा हूँ वो है वेगा का शायद बोल्ट है शायद से हाँ वही वाला बोल्ट है जिसके अंदर ब्लू कलर से डिजाइन बना हुआ है तो एक वो वाला मुझे पसंद आया और एक उसके अलावा मुझे पसंद आ रहा है स्टड्स का है डबल वाइजर हेलमेट है आपको दोनों स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मुझे कौन सा वाला हेलमेट परचेज करना चाहिए मुझे किस हेलमेट की साइड जाना चाहिए और बस जो आप कहोगे अगर देखो पहले तो आप कहोगे एग्जॉस्ट चाहिए या हेलमेट चाहिए ठीक है पहले तो आप इन दोनों में डिस्कस करो कि हाँ दोनों में से हमें क्या लेना चाहिए उसके बाद दैट्स इट अगर आपको हेलमेट आता है ना तो हेलमेट में आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ सामने स्क्रीन पे आ रहा है अब मुझे वो वाले दोनों हेलमेट में से एक सजेस्ट करो अच्छा सा तो वही वाला परचेज कर लेंगे क्योंकि देखो मुझे हेलमेट परचेज करना ही भाई हेलमेट तो चाहिए भाई उससे तो मेन बाइक की लुक होती है ना जो राइडर साथ में राइड कर रहा है फिर वो एक लुक्स मतलब अच्छा इंप्रेशन देता है राइडर वाला पूरा तो बस फिर यही आपसे डिस्कस करना था और भी एक दो बातें मैंने आपसे डिस्कस करनी है और बहुत जल्दी मैं आपसे करूंगा अभी अगले नेक्स्ट व्लॉग में और ठीक है मानता हूँ कि व्लॉग्स ना मेरे थोड़े थोड़े डिले ज़्यादा हैं अभी इस टाइम
बट मैं पूरा कोशिश कर, बट पहले के मुकाबले अगर आप देखोगे ना, मतलब पहले से अब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ यूट्यूब पे अभी, क्योंकि अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं करता तो मैं कोई ना कोई शॉर्ट्स अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं शॉर्ट्स वगैरह अपलोड कर देता हूँ तो उससे क्या होता है ना कि एक रेगुलरिटी मेरी बनी रहती है। तो बस उस रेगुलरिटी को ध्यान में रखते हुए बस निहाल थोड़ा सा यूट्यूब पे ध्यान दे रहा है, और आप ना थोड़ा वीडियो पे लाइक कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करो, लाइक भी करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो जो कि न्यू पर्सन हैं। और मैंने ना अभी लास्ट टाइम ने एनालिटिक्स भी देखे थे कि मेरी वीडियोज़ को वॉच तो देखो बहुत लोग करते हैं, मतलब देखते बहुत लोग हैं, बट सब्सक्राइब अब कम लोगों ने किया है। तो यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो भाई को यार, कि तुम्हारा भाई भी ग्रो हो और आपके लिए एक अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाए, और मैं भी मोटिवेट होता हूँ ना जब आप कमेंट करते हो, तो मैं भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेकर आऊँ, न्यू चीज़ें परचेज करूँ। तो फिलहाल अभी यहाँ से राइट, क्योंकि आगे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइम ना मेरी बाइक के अंदर प्रेशर बहुत कम लग रहा है मुझे पिछले वाले टायर में, या तो बहुत कम है या तो बहुत ज़्यादा है, बट वैसे तो प्रेशर कम है। अगर आपको पता करना ना कि प्रेशर कम है या ज़्यादा, अगर आपकी भाई ABS है या नॉन ABS है, आप जब हल्का सा भी आप ब्रेक मारोगे, अगर आप हल्की सी ब्रेक मारोगे ना तो आपकी बाइक जल्दी स्लो हो जाएगी नॉर्मली मुकाबले। तो आप अगर हल्की सी ब्रेक मारते हो बाइक एकदम स्लो होती है, तो मतलब हवा कम है। अगर आप हल्की सी ब्रेक मारते हो और बाइक स्किट कर रही है तो समझ लो हवा ज़्यादा है टायर में। तो यहाँ पर ना अभी फिर से दरअसल आ गया था मुझे फ्रेंड का कॉल, तो चलो कोई बात नहीं, कॉल ही था, देखो आता रहता है, बीच में नहीं भी आता होता तो। बट देखो मेरा आज का व्लॉग का मेरा काम था ना भाई, वो आज हो गया है, और मैं जल्दी से बस अब यहाँ से घर को, और देखो सीधा जाऊँगा ना अभी मैं, अब मैं फिर से यहाँ से भी राइट टर्न ही लेने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से राइट को क्यों मुड़ गया, सीधा भी BMC चौक ले रास्ता था, बट BMC चौक से आगे जाके ना आगे चौक पर फिर रास्ता ख़राब था, तो फिर से मुझे मुड़ना ही पड़ता, तो इसलिए मैं यहाँ से पहले ही मुड़ गया। आज मैंने ना बैग भी वो अपना LED आइस वाला बैग पहना है, तो काफ़ी अच्छे से पीछे से रिएक्शन मिलेंगे लोगों के। बट चलो अभी इस टाइम पे मेरे पास देखो एक ही GoPro है जिससे से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मेरे पास दूसरा GoPro कोई भी नहीं है, या कोई भी ऐसा कैमरा नहीं है एक्शन कैमरा जिसको मैं पीछे माउंट करके यहाँ भी लोगों के रिएक्शन ले सकूँ। तो चलो कोई नहीं, चलते हैं, जब हमारा चैनल थोड़ा ग्रो करेगा ना, जब हमारे पास और पैसे आएंगे तब हम लेंगे, फिर हम अच्छे से रिएक्शन लेंगे, और तब तक शायद पैसे आएंगे तो हम सुपर बाइक लेके और अच्छे रिएक्शन ले सकते हैं। बट चलो सब कुछ टाइम के साथ साथ अच्छा लगता है। अभी हमारा टाइम Version 3 का, Version 3 पर है, आने वाले टाइम में होगा हमारे पास एक सुपर बाइक, तो ठीक है। तो बाइक का हजार्ड ऑन कर दिया इस टाइम, हजार्ड इसके अंदर ऐसा है कि अभी इस टाइम में इसके अंदर इंडिकेटर्स नहीं वर्क करते, अभी इसके अंदर अगर आप लेफ्ट या राइट कहीं को भी इंडिकेटर होगा ना तो हजार्ड ही ब्लिंक करेगा। तो यहाँ पर भी रेड लाइट, देखो अब तो रेड लाइट का देखो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रेड लाइट की, कि लेट हो रहा हूँ कुछ है, मुझे घर ही जाना है अब सीधा। तो फाइनली यहाँ पर अभी मिशन चौक, तो बाबा जी मेयर करना, सफर करना, नाल दी नाल चलना, बस बाबा जी इसी तरह से अपनी कृपा भरा हाथ हम पर रखना। वो देखो सामने डीमार्ट, भाई डीमार्ट में बहुत कम आया मैं, आता लाइफ में ना सिर्फ एक या दो तीन बार आया हूँ, बस दो तीन बार ही आया हूँ जहाँ तक मुझे याद है, और इसके अलावा मैं आया भी नहीं हूँ। बस कोई नहीं, जल्दी आएंगे डीमार्ट भी कुछ शॉपिंग करने तो ठीक है। बस फिलहाल देखो अब ना मेरे GoPro की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, तो अब ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं कर पाऊँगा, और मेन आज के व्लॉग का काम यही था कि मुझे बाइक की नंबर प्लेट इंस्टॉल करवानी थी। और आपको ना मैं पहले एक प्राइस भी कंफर्म कर देता हूँ कि इसकी नंबर प्लेट का प्राइस कितना था, तो 2020 मॉडल था अपना, तो इसके अंदर पता नहीं क्या सीन हुआ, इसके वैसे 1000 रुपीज़ लग रहे थे, बट उन्होंने मेरा काम ये बहुत कम में, मतलब 500 to 600 में ये मेरा काम कर दिया था इन्होंने, तो बस ठीक है 500 to 600 में कर दिया था। गाइस इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ सेफ राइडिंग, तो ठीक है, बाय बाय।